दोस्तों अभी कमबैक का सीजन चल रहा है और यहाँ पर पबजी जो है कभी जा रहा है कभी नहीं आ रहा है, इधर चला मैं इधर चला ऐसा कुछ इसका सिचुएशन अभी चल रहा है। पर भाई इधर उधर अप्स एंड डाउन्स होने के बाद अभी काफी गारंटीड एक न्यूज आ गई है काफी श्योरिटी के साथ कि पबजी इंडिया में रिटर्न मारने वाला है। और जैसे मतलब गया हो एज इफ, और अगर आपको अगर नहीं पता है, मैंने थोड़े टाइम पहले वीडियो बनाई थी कि पबजी के सर्वर्स बंद होने वाले हैं, पबजी चलेगा ही नहीं। पर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने टेस्टिंग की थी पबजी की और पबजी अभी भी चल रहा है। इनफैक्ट अभी आज के दिन आप पबजी खेल सकते हो। एनीवेज गाइस, ऑफिशियली बैंड है, ऑफिशियली भी बहुत ही जल्दी शायद अनबैन हो जाएगा। इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे, क्या ही पूरा मामला है। थोड़े लेट हो गए वीडियो बनाने में, पर भाई कुछ ना कुछ मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही दूंगा बाकी वीडियोज से, तो उसका चिंता बिल्कुल मत करो। इस वीडियो को एंड तक देखो, आपको पूरा मसला समझाऊंगा कि क्या चल रहा है। तो बस बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं टेकाल है और मैं आपको स्वागत कर रहा हूं चैनल की ब्रांड न्यू वीडियो में। तो भाई पबजी, यहां पर मेरे पीछे एक और नया पोस्टर है हर पबजी वीडियो की तरह। और अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि भाई 30 अक्टूबर के बाद पबजी जो है चलना एकदम बंद ही हो जाएगा। मतलब अगर आप पुराने वर्जन खेल रहे हो, चाहे वेबसाइट से डाउनलोड करके खेल रहे हो, जैसे भी तिकड़म मर्जी लाके आप खेल रहे हो, मैंने आपको बताया था कि अब नहीं चलेगा। पर भाई उस दिन के बाद भी पबजी चलना बंद ही नहीं हुआ। मतलब हाँ, आई नो कुछ मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि हाँ अब जो है ऐसा लिखा हुआ आने लग गया कि कुछ एरर है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया वगैरह है, आप चीज़ें खरीद नहीं सकते शायद, क्योंकि वो डॉलर को कुछ अजीब सा कन्वर्जन करके दिखा रहा था। और कुछ मेरे फ्रेंड्स ने भी टेस्ट किया पबजी को और कर रहे हैं और डेली कर रहे हैं पबजी को टेस्ट, और पबजी चले ही जा रहा है, मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है अभी भी। और बोल रहे हैं लोग ऐसा कि एशियन सर्वर में वो कुछ साउथ कोरियन सर्वर पे चल रहा है, क्योंकि ओरिजिनली पबजी एक साउथ कोरियन कंपनी का गेम है। तो जिसको नहीं पता, क्राफ्टॉन गेम्स बोल के एक कंपनी है जो बेसिकली पेरेंट कंपनी है पबजी कॉर्पोरेशन की। तो जब पबजी इतना बड़ा हो गया, मतलब क्राफ्टॉन ने पबजी को बनाया, फिर पबजी जब देखा इतना मस्त हो गया तो उसको एक अलग से एंटिटी बना दिया गया था, उसको एक अलग कंपनी बना दी गई थी। और फिर उस एंटिटी का काम था बस और बस पबजी को देखना। पर उसकी पेरेंट कंपनी जो क्राफ्टन है वो तो ऑब्वियसली पेरेंट कंपनी रहेगी। तो पबजी ने किया क्या था कि टेंसेंट बोल के एक चाइनीज कंपनीज है जो काफ़ी ज़्यादा गेम्स डेवलप करते हैं, उनका थोड़ा एक्सपर्टीज है मोबाइल गेमिंग में। तो पबजी ने जो है ये कॉर्पोरेशन ने पार्टनर अप किया था टेंसेंट के साथ, टेंसेंट होल्डिंग्स जो कि चाइना की काफ़ी बड़ी कंपनी है, उन लोग के साथ एज अ मतलब वो लोग ताकि गेम को डेवलप कर दें, थोड़ा मोबाइल में हेल्प कर दें। और उसके अलावा जो पब्लिशिंग होती है वो ऐसी डायरेक्ट एक कंपनी नहीं कर सकती, पब्लिशिंग में थोड़ी मदद चाहिए रहती है। तो टेंसेंट होल्डिंग्स ने पबजी कॉर्पोरेशन की मदद की थी पूरे दुनिया भर में इस गेम को बांटने के लिए। और इंडिया में भी टेंसेंट होल्डिंग्स ही जिम्मेदार था पूरा पब्लिशिंग वगैरह के लिए। और मतलब इतने सक्सेसफुल थे ये लोग कि 50 मिलियन डेली यूजर्स थे पबजी के एक टाइम पे। अभी तो खैर ऑब्वियसली इतने नहीं है, पर भाई जब से पबजी बैन हुई है इनको काफी बड़ा घाटा लगा है। और सबको बताया कि मेन रीजन हुआ है जो ये क्लैश चल रहा था इंडिया चाइना का। एंड नॉट ओनली दैट, सही में कुछ चाइनीज ऐसे रूल्स है गवर्नमेंट के कि जिनसे मतलब वो अलाउड है कि चाइनीज कंपनीज डेटा ले और फिर वहाँ की गवर्नमेंट को दे दे। और ये बाकायदा वहाँ पर एक लॉ है कि अगर कोई भी कंपनी है और अगर कुछ भी डेटा उनके पास है तो सरकार, उनकी सरकार जब मर्जी वो डेटा यूज़ कर सकती है अपने मतलब के लिए। तो वो थोड़ा एक रिस्की सा चीज़ बन जाता है, इसीलिए जो भी पूरा बवाल खड़ा हुआ था और इतने सारे ऐप्स बैन हुए थे और इसके साथ पबजी भी बैन हुआ था। तो काफ़ी टाइम से ऐसा न्यूज़ चल ही रहा था कि पबजी रिलायंस से बात कर रहा है, पबजी एयरटेल से बात कर रहा है, अभी रिसेंटली मैंने सुना कि पबजी पेटीएम से बात कर रहा है, और भी इंडियन कंपनीज है जो पबजी चाहता है कि बस कुछ घुल मिल के एक हो जाए। पर अभी एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूज आ गई है कि पबजी ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ कुछ बातचीत कर ली और मतलब एकदम फाइनल स्टेजेस पे वो डील के खुद क्राफ्टॉन गेम्स जो कि पेरेंट कंपनी पबजी की, जैसे मैंने बताया, वो लोग ने अपना एक ऑफिशियल इशू कर दिया स्टेटमेंट कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट अज्योर के साथ पार्टनरशिप कर ली है। जिनको नहीं पता थोड़ा बता देता हूं, प्रोग्रामर्स अगर कोई देख रहे हैं तो उनको पता होगा माइक्रोसॉफ्ट अज्योर बेसिकली क्लाउड सर्विस है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। जैसे टेंसेंट होल्डिंग का टेंसेंट क्लाउड था अपना, जहां पर सारा गेम का डेटा स्टोर होता था, क्लाउड बेसिकली वही सर्वर जिसको हम बोलते हैं, वैसे माइक्रोसॉफ्ट अज्योर जो है सर्वर पूरा प्रोवाइड करता है। और क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट है तो वो काफी बड़ा और एक ट्रस्टेबल ब्रांड जो है बन जाता है जहां पर हमारा डेटा सारा का सारा स्टोर रहेगा। तो ये मेन रीजन है कि पबजी क्यों वापस आ रहा है। एंड नॉट ओनली दैट, बहुत लोग बोल रहे थे कि मेरे फ्रेंड स्ट्रीमर्स हैं और बहुत सारे फ्रेंड स्ट्रीमर्स हैं इसलिए
मुझे पता चल गया है कि अब आ जाएगी तब आ जाएगी, पर भाई मेन रीज़न यही है माइक्रोसॉफ्ट अज्योर जो सर्विस है उनके पूरे इंडिया में 3 अपने सर्वर्स हैं, मतलब पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में उनके पास सर्वर्स है, पर इंडिया के अंदर उनके पास 3 बड़े बड़े सर्वर्स है जहाँ पर आराम से पबजी का सारा डेटा जो है स्टोर हो सकता है, चाहे वो यूज़र डेटा हो जो भी डेटा वो लोग कलेक्ट करते हैं। यही मस्त बात है कि अब जो भी डेटा रहेगा उनको कोई भी चाइनीज सर्वर्स में या चाइना ओन्ड कंपनी के सर्वर्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो इंडिया के इंडिया में रहेगा और वो जो सर्वर्स के मालिक होंगे वो होगा माइक्रोसॉफ्ट, और माइक्रोसॉफ्ट ही जो है पूरे ग्लोबली पब्लिश करने वाला है गेम को। तो ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में पबजी ने नाता रिश्ता पूरा तोड़ दिया टेंसेंट होल्डिंग्स के साथ, और मोबाइल डेवलपमेंट का क्या होगा, अपडेट्स वगैरह कैसे होंगे, क्योंकि अभी भी कोड तो टेंसेंट होल्डिंग्स का ही है। तो ये भी थोड़ा एक एक्सक्लूसिव चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता था, जो मैंने किसी वीडियो में नहीं देखी, कि अभी भी जो मोबाइल डेवलपमेंट में जो कोडिंग एंड जो भी मतलब अंदर का माल है ना अभी भी टेंसेंट होल्डिंग का ही रहेगा। पर भाई जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा पबजी कॉरपोरेशन का था, तो वो क्या होगा, कैसे वो पूरी पार्टनरशिप पूरी टूटेगी, और मतलब किस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कौन ओनरशिप लेगा पूरे जो भी कोड है माल है, क्योंकि आइडिया तो मेन पबजी कॉरपोरेशन का ही था, इवन तो उसको मोबाइल में लाने वाली कंपनी टेंसेंट थी, तो कैसे वो चीज़ें होंगी और क्या माइक्रोसॉफ्ट उस पूरी चीज़ों को संभालेगा, वो थोड़ी और क्लैरिटी हमें मिलेगी थोड़ा और मेरे ख्याल से टाइम पे, या हो सकता है ना भी मिले क्योंकि वो थोड़ा इंटरनल मामला होता है, पर ये मुझे पॉइंट आउट करना था मैंने बता दिया। पर वही है, चलो ये बहुत बढ़िया बात है कि हमारे इंडियन कस्टमर्स का डेटा कहीं भी इंडिया के बाहर नहीं जाएगा, और एक बड़ी कंपनी है जो हमारे डेटा को संभालेगी, जिसमें मतलब बिलियंस ऑफ लोगों ने ट्रस्ट करके अपना डेटा ऑलरेडी दे रखा है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ भी है ये सब मामले में, तो मैं काफ़ी खुश हूँ। और गेमर कम्युनिटी के अंदर भी काफ़ी ऐसा चाव सा आ गया होगा ये पूरी न्यूज़ सुन के। अगर आप एक गेमर हो जो इस वीडियो को देख रहे हो, नीचे कमेंट करके बताओ यार कैसा लग रहा है आपको ये न्यूज़ सुन के, क्या आपके मन में लड्डू फूट रहे हैं ये सुन के कि हाँ पबजी वापस आ रही है, या फिर आप अभी तक आप मूव ऑन कर चुके हो और अब आपने कोई नई देख ली अपने लिए गेम ऑब्वियसली, और जो भी है आपके मन के राय विचार नीचे कमेंट करके बताओ। मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ जानने के लिए कि क्या आपकी फीलिंग है। मैं तो खुशी हूँ भाई, मैं काफ़ी खेलता था पबजी, और आएगी अगर और मुझे अब पता है कि डेटा भी सिक्योर है तो शायद ज़रूर इसे खेलूंगा, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बाकी गेम्स की तरफ नहीं देखूंगा। जो अगर अपने इंडिया की तरफ से बढ़िया बढ़िया गेम्स आते हैं मैं डेफिनेटली उनको भी ट्राई करूंगा, और रिकमेंड करूंगा कि आप सब भी ट्राई करना और चांस देना यार हमारे इंडियन कंपनीज को भी जो गेम्स के फील्ड में उतर रहे हैं। बस इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख ही लिया है तो ज़रूर से लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बगल में रहा तो नोटिफिकेशन बेल, और थैंक यू वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। जल्दी 1000 होने वाले हैं तो सब्सक्राइब लाइक जो भी मैंने बोला सब कर देना, और बस इस वाली वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं मिलता हूँ मेरी अगली वीडियो में। We'll be right back.